हेलो गाइज, हाउ यू ऑल डूइंग? होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेल। तो रिसेंटली फरवरी के महीने में गली बॉय नामक एक मूवी रिलीज हुआ था, जिसने कई लोगों को इंस्पायर किया था कि अगर आप सच्चे दिल से किसी चीज़ में माहिर होने के लिए कोशिश करें तो कामयाबी आज नहीं तो कल आपके हाथों तो लगनी ही है। वैसे इंजीनियर हूँ, थोड़ा प्रैक्टिकल होते हुए बोलूंगा कि थोड़ा बहुत लक फैक्टर भी होना चाहिए। तो इस मूवी ने हम जैसे कॉमन नागरिकों के बीच बहुत सारे नए डायलॉग्स का इजाद किया था, जैसे कि अपना टाइम आएगा, या फिर बहुत हार्ड। तुमने पुलिस को चूना लगाया, बहुत हार्ड। तुमने क्लास बंक किया, बहुत हार्ड। गर्लफ्रेंड ने तुमको थप्पड़ मारा। लेकिन आज हम इस मूवी गली बॉय के बारे में नहीं, बल्कि ऋतिक रोशन स्टारर सुपर 30 के बारे में बात करेंगे, जो कि जुलाई में रिलीज होने वाली है। ये भी एक अंडरडॉग वाली मूवी होने वाली है, जो कि कई गरीब घर के बच्चों को इंस्पायर करेगी कि अगर आप मेहनत करो तो कामयाबी झक मार के पीछे आएगी। लेकिन गली बॉय की तरह ही ये भी एक ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है, तो आइए जानते हैं स्टोरी के सारे डिटेल्स। सो विदाउट फर्दर डू, लेट्स नो सम फैक्ट्स। तो जब भी हम ऋतिक रोशन के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? लेकिन इस मूवी में ऋतिक का हुलिया है कुछ ऐसा। तो इस मूवी में ऋतिक ने जो किरदार निभाया है वो है मिस्टर आनंद कुमार का। मिस्टर आनंद कुमार एक पोस्ट ऑफिस क्लर्क का बेटा था और पटना बिहार का रहने वाला था, यानी कि ये एक बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करता था। वो एक हिंदी मीडियम गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा और शुरू से ही उसको मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। ग्रेजुएशन के दौरान उसने नंबर थ्योरी पर पेपर सबमिट किया था, जो कि द मैथमेटिकल स्पेक्ट्रम और द मैथमेटिकल गैजेट जैसे बड़े जर्नल्स में पब्लिश हुआ था। आनंद को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी मिला था, लेकिन पिताजी के मौत और पैसों की कमी के कारण वो वहाँ नहीं जा पाए। तो आनंद दिन में अपनी पढ़ाई करता और रात में अपने माँ के साथ 4 घंटे से भी ज़्यादा समय तक पापड़ बेचता, ताकि उन सब की आर्थिक अवस्था कुछ ठीक हो सके। वाह, कितना मेहनती था, काश इतनी मेहनत हमने भी की होती तो हम कहाँ पहुँच गए होते। तो 1992 में आनंद ने एक रूम 500 रुपये में भाड़े पे लेकर बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ाना शुरू किया। उसने अपने इंस्टीट्यूट का नाम RSM यानी कि रामानुजन स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स रखा। तो समय के साथ साथ आनंद के स्टूडेंट्स की गिनती 2 से 500 हो गई 3 साल के अंदर, और उनके आर्थिक अवस्था में भी सुधार आने लगा। और फिर साल 2000 में आनंद के पास एक गरीब घर का बच्चा IIT JEE कोचिंग के लिए आता है, लेकिन पैसों की कमी के कारण वो अपना नाम रजिस्टर नहीं करवा पाता है। अब उस बच्चे का डिटेल्स मुझे ऑनलाइन मिला नहीं, तो शायद मूवी में इस बच्चे के नाम और बाकी डिटेल्स पर फोकस किया जाएगा। तो इसी के साथ साल 2002 में मिस्टर आनंद कुमार ने अभयानंद, जो कि IPS ऑफिसर थे, उनके साथ मिलकर सुपर 30 का प्रोग्राम शुरू किया, जिसमें 30 गरीब बच्चे जैसे कि मूवी में दिखाया गया है। पिताजी क्या करते हैं? ड्राइवरी करते हैं, कचरे का ट्रक चलाते हैं, नमक के फैक्ट्री में मजदूरी करते हैं, पिताजी नहीं है। तो ऐसे बच्चों को चुना जाता है और उन्हें IIT एग्जाम्स क्रैक करवाने की कोचिंग फ्री में दी जाती है। आनंद कुमार की माँ इन सब बच्चों के खाने पीने का ध्यान रखती है, तो वहीं पर आनंद, अभयानंद और इंस्टीट्यूशन के बाकी टीचर्स इन सब बच्चों को पढ़ाते हैं। इन बच्चों को मुफ्त में किताबें भी दी जाती है। पहले साल 30 में से 18 बच्चे IITs में सिलेक्ट हो जाते हैं, और इसी के साथ साथ सुपर 30 प्रोग्राम पूरे देश भर में पॉपुलर हो जाता है। अगले साल बच्चों की संख्या में बहुत ही ज़्यादा बढ़ोतरी देखते हुए एग्जाम्स कंडक्ट करवाने का डिसीजन लिया जाता है, जिसमें आज की डेट में हर साल 4,000 से 5,000 बच्चे बैठते हैं, और उसमें से सिर्फ 30 बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है और उन्हें IITs के लिए तैयार करवाया जाता है। अब तक टोटल 420 से भी ज़्यादा गरीब घर के बच्चे IITs में इस प्रोग्राम के जरिए सिलेक्शन करवाने में कामयाब रहे हैं, जिसमें से 2008, 2009, 2010 और 2017 में सारे के सारे 30 बच्चे IITs में सिलेक्ट हो गए थे। आनंद ने 2008 में ये प्रोग्राम छोड़ दिया जब पहली बार सारे बच्चे IITs में सिलेक्ट हो गए थे, ये कहते हुए कि अब उसका मिशन सक्सेसफुल हो गया है। और बात भी सही है, आज सुपर 30 प्रोग्राम के बारे में पूरे दुनिया को पता है। इस प्रोग्राम को शुरू करने के लिए आनंद को कई सारे अवार्ड्स भी मिले, जैसे कि लेट श्री अब्दुल कलाम आज़ाद की तरफ से शिक्षा पुरस्कार। इस प्रोग्राम के ऊपर कई सारी डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई गई है, और कई नामी धामी मैगजीन जैसे कि न्यूयॉर्क टाइम्स में सुपर 30 प्रोग्राम के बारे में लिखा गया है। फॉर्मर US प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने पर्सनली आनंद कुमार के काम की तारीफ करते हुए उन्हें पर्सनल मैसेज भी लिखा था। हालांकि जुलाई 23, 2018 में दैनिक जागरण में पब्लिश हुए एक आर्टिकल में ऐसा लिखा गया था कि उस साल सुपर 30 से सिर्फ 3 बच्चे IITs में सिलेक्ट हुए थे, जबकि आनंद के अनुसार 26। और ऐसा भी लिखा गया था कि जो बच्चे सुपर 30 में एनरोल नहीं हो पाते थे, उन्हें आनंद पर्सनली पुश करता था अपने इंस्टीट्यूट यानी कि RSM में भर्ती होने के लिए, और इससे हर साल आनंद लगभग 1 करोड़ रुपये कमाता था।
लेकिन फिर अगस्त 2018 में द हिंदू में पब्लिश हुए एक आर्टिकल में ऐसा लिखा गया था कि ये सब सिर्फ एक फेक स्मियर कैंपेन था, यानी कि मिस्टर आनंद के रेपुटेशन को खराब करने के लिए ये सब किया गया था। ऑब्वियसली बात है, अच्छे काम करने वालों की तो दुनिया में इज्जत है ही नहीं। सही जवाब। तो अंत में जाते जाते थोड़ा सा ज्ञान। सुपर 30 जैसे प्रोग्राम्स गरीब लोगों के बीच आशा जगाती है कि वो भी जिंदगी में कुछ बन सकते हैं। गरीब घर के बच्चे मेहनत करते हैं ताकि वो सुपर 30 में शामिल हो सके और अपनी गरीबी मिटा सके। तो हमें गलीबा और सुपर 30 जैसे मूवीज़ को प्रमोट करना चाहिए जिससे हमारे देश के लोगों के माइंडसेट में बदलाव आए। आखिर गरीब घर के बच्चे भी बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड और इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन सही सपोर्ट ना मिल पाने के कारण वो गरीबी के अंधेरे में ही रह जाते हैं। आनंद का कहना है कि सुपर 30 प्रोग्राम हर एक स्टेट में होना चाहिए। मेरा भी यही मानना है, आप क्या सोचते हो? वेल, मुझे नहीं पता कि सुपर 30 एज ए मूवी कैसे होने वाली है, लेकिन इसकी स्टोरी आपको ज़रूर इंस्पायर करेगी और ऊपर से इसमें ऋतिक भी है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, सी यू एंड टेक केयर, बाय बाय।